जनपद में राशन वितरण में घटतौली की शिकायत पर जिले के एसडीएम व तहसीलदारों के नेतृत्व में कोटेदार के कोटे पर छापा पड़ा, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि हमारी गोपनीय जांच लगातार चल रही है, जिसमें राशन वितरण प्रणाली सुरक्षा अधिनियम के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका लाभ राशन कार्ड धारकों को मिलना है, जिसमें कुछ कोटेदारों के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई थी कि राशन में पात्रों को जोड़ा गया है और यूनिट काटी गई है, जिसका जाँच करने के लिए हर तहसीलों में छापेमारी की कार्रवाई की गई है। हर गांव के कोटे पर राजस्व के कर्मचारी जाकर के डोर टू डोर सर्वे करके कितनी घटतौली हो रही है उसका सत्यापन किया जा रहा है, जिसके आधार पर पूरे वर्ष का मूल्यांकन करके रिकवरी की जाएगी, मुकदमा दर्ज किया जाएगा और कोटे को निरस्त करके महिला समूहों को कोटा चलाने के लिए दिया जाएगा। गोपनीय जाँच में जहाँ भी कोटेदार या सप्लाई डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा इस तरह की अनियमितता की जाती है तो उसका उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उस पर कार्यवाही किया जा सके। प्रयास है कि सभी लाभार्थियों को पूरा राशन का हक मिल सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, हमारी गोपनीय जांच लगातार चल रही है, उसमें जो राशन वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ हमारे राशन कार्ड धारकों को मिलना है, अंत्योदय कार्ड धारकों को, पात्र गृहस्थियों को, और उसमें कुछ जगह पे कोटेदारों के खिलाफ गंभीर शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि घटतौली हो रही है, अपात्रों को जोड़ा गया है, यूनिट्स काटे गए हैं। इस तरह की शिकायतों की जाँच करने के लिए आज हर तहसील में छापामारी की कार्रवाई की जा रही है। प्रत्येक गांव में 10 से 15 राजस्व टीम के कर्मचारी अधिकारीगण जाके डोर टू डोर सर्वे करके कितनी घटतौली हो रही है, कितनी कटौती हो रही है, कितने अपात्र लोगों को जोड़ा गया है, इसका सत्यापन करेंगे और आज शाम तक रिपोर्ट प्राप्त होगी और उसके आधार पर पूरे वर्ष का मूल्यांकन करके रिकवरी की जाएगी, प्राथमिकता दर्ज किया जाएगा और इसमें निरस्तीकरण करके महिला समूहों को वो छोटा आवंटित किया जाएगा और इस तरह की लगातार प्रक्रिया चलती रहेगी। गोपनीय जांच में जहां कोटेदारों द्वारा या सप्लाई डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा या मार्केटिंग के अधिकारियों द्वारा इस तरह की अनियमितता की जाती है तो उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्रवाई की जाएगी। हम चाहते हैं कि सभी लाभार्थियों को शत प्रतिशत उनका खाद्य सुरक्षा अधिनियम का अधिकार प्राप्त होकर शासन की योजना हर एक गरीब व्यक्ति तक पहुँचे, इसी प्रयास से ये छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है और कोशिश यही है कि सभी लोगों को अपना हक मिले।